नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के बैनर तले दर्जनों सपाइयों ने देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सपा व्यापारियों ने मांग की है कि जनपद में व्यापारियों के साथ प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, पूरे जनपद के व्यापारी दहशत में हैं और साथ ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यापारी कारोबार करने में असमर्थ होता जा रहा है। सरकार व्यापारियों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों को बढ़ाकर इसका सीधा असर गरीब जनता पर डाल दिया है, जो बहुत ही गलत है। रोजमर्रा के खर्चे महंगे हो गए हैं और माल भत्ता महंगा होने से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो गई हैं। जीएसटी और लॉकडाउन की वजह से पहले ही व्यापारी परेशान हैं और अब महंगाई ने परेशान कर दिया है। अगर इस तरह केंद्र सरकार के द्वारा लगातार महंगाई को बढ़ावा दिया गया तो निश्चित रूप से व्यापार चौपट हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसलिए हम समस्त व्यापारी इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि हम जिले के समस्त व्यापारियों को सुरक्षा मिले और साथ ही केंद्र सरकार महंगाई को कम करने का कार्य करे ताकि व्यापारी और आमजन को आसानी हो सके। आज हमारा समाजवादी व्यापार सभा और पिछड़ा प्रकोष्ठ के सब लोग यहाँ पर, महिला शक्ति भी सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले काफी दिनों से केंद्र सरकार अपनी अधर्मिता से बाज नहीं आ रही है। केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर थोड़े थोड़े कर कभी डीजल के, कभी पेट्रोल के, कभी गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और अब तो इन्होंने बिल्कुल कमाल कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में ही सिलेंडर पर फिर पैसे बढ़ा दिए। तो ये सरकार की मंशा निश्चित रूप से कोई सोच विचार कर ये काम नहीं कर रही और सरकार अपना रास्ता भटक गई है। जिस रास्ते पर लोगों ने, जनता ने विश्वास इन्हें दिया था, आज उस रास्ते से सरकार भटकी हुई है और इन्होंने गरीबों की और महिलाओं की बात कर जो सरकार बनाई थी, आज ना महिलाओं के चूल्हे के बारे में सोच रहे हैं, ना उनकी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। और आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो बड़ा उत्साहित था इनके नाम की, इनकी बातों पर जो ये प्रलोभन दे रहे थे, उन प्रलोभनों को आज देखते हुए जनता पूरी सड़कों पर है। और आज यहाँ पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से आप देखते होंगे कि इसकी सीधी मार आम चीजों पर पड़ती है, क्योंकि डीजल से माल भत्ता महंगा हो जाता है, व्यापारी को चीज लाने में दिक्कत होती है और जब वो एक दिन 10 की बेचता है, अगले दिन 11 की बेचता है तो कहीं ना कहीं ग्राहक का विश्वास उससे हटता है। तो सरकार अपनी मंशा से हट चुकी है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की अपनी ओछी हरकतों से, मानसिकता से बाज आए और अगर उनसे इस तरह के चीजों को नहीं संभाला जा रहा है तो उनके इस तरह के केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, केंद्रीय मंत्री जी कुछ कहते हैं, तो अगर ये सरकार अपने बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लेगी तो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारी विचारों की पार्टी है, हम शांतिपूर्ण तरीके से आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पहुंचे हैं, राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है और अगर इस प्रकार से सरकार नहीं चेती तो निश्चित रूप से पूरे जनपद की तहसीलों पर, विधानसभाओं पर समाजवादी व्यापार सभा के सभी पदाधिकारी लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार की चूल हिलाने का काम करेंगे।